विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, पंडरीनाथ भगवान की, चंद्रभागा महारानी की, कुबेरेश्वर महादेव की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नीचे कर काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवदिदे महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पंडरपुर की ये पवित्र भूमि माँ चंद्रभागा नदी का पवित्र तट, जहाँ आप और हम बैठकर भगवान शिव की पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। एक तो चंद्रभागा नदी का पवित्र तट है, दूसरा हरि विट्ठल की पवित्र भूमि है, जहाँ पर भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य मिला है। पंडरपुर में निवास करने वाले सभी संत साधु गुरुजन ब्राह्मण जन के पावन चरणों को नमन करते हैं। सभी कीर्तनकार के पवित्र चरणारविंद को नमन करते हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री संजय बंडू जी यादव,
श्रीमती क्रांतिताई संजय जी जाधव परवणी, सांसद महोदय, श्री अभिजीत आंबा पाटिल, श्रीमती सुमित्रा अभिजीत पाटिल पंडरपुर, श्री दिनेश गणपति जी काबरा, काबरा परिवार एरंडोल, स्वर्गीय हनुमान प्रसाद तिवारी जी, स्वर्गीय त्रिवेणी बाई तिवारी जी की स्मृति में कारंजा से तिवारी परिवार, शिवशंकर राव साहब बिराजदार पुणे से, स्वर्गीय हीरा जी पाटिल जी की स्मृति में छाया निम्बाजी पाटिल द्वारा नेपा नगर से, शशिकांत अरविंद श्रीवास्तव बंटी जी कायस्थ साकरी से, स्वर्गीय राजेंद्र परदेशी जी की स्मृति में सविता जी द्वारा अक्कलकोट महाराष्ट्र से यजमान पद ग्रहण किए हैं। इन सभी यजमानों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा के यजमान बनकर हरिविट्ठल की पवित्र भूमि पर विराजमान होकर इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, जो पंडरपुर के निवासी हैं, पंडरपुर में रहने वाले हैं, उनको तो बड़ा गर्व होता होगा कि उनकी सीधी पहचान हरिविट्ठल से है, तो फिर क्या डरना। अच्छा ये बताओ कि राष्ट्रपति से आपकी पहचान हो जाए, फिर जल मंत्री, वन मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री, विद्युत विभाग के मंत्री, इनसे तुम्हें क्या करना, कोई मतलब रहेगा क्या? बोलो तो जरा पंडरपुर वालों, रहेगा मतलब? नहीं, क्योंकि तुम्हारी पहचान राष्ट्रपति से है, तो तुम्हें इन सब विभाग वालों से कोई मतलब नहीं कि कौन विभाग वाला तुमको सम्मान दे रहा है कि नहीं दे रहा। कल एक पत्र में एक किसी ने लिखा था कि मेरा राहु खराब चल रहा है और मेरे शनि की दृष्टि भी गलत पड़ रही है। मैं पंडित जी को बताई, ज्योतिष आचार्य को मैंने पत्रिका दिखाई, तो उन्होंने मुझे बताया कि तेरा शनि भी खराब है, तेरा राहु भी खराब है। अब मैं क्या करूं? तो मेरी जीजी, पहले तो मैं हाथ जोड़ के आपको नमन करूं, मैं पत्रिका नहीं देखता और ना मुझे ज्योतिषी आती, ना मैं आपको बता सकता हूं कि आपका राहु तेज है कि केतु तेज है कि शनि तीव्र है कि मंगल तीव्र है, ये हमारे बस की बात नहीं। हम तो इतना जानते हैं कि जब राहु का शीश कटा था तो राहु शंकर भगवान के पास आया था और हाथ जोड़कर बैठ गया कि मुझे शरण में ले लो, तो शिव जी ने उसको शरण में ले लिया था। उसके बाद में जब केतु आया, केतु ने आकर हाथ जोड़े कि मुझे शरण में ले लो, भगवान ने उसको शरण में ले लिया। सूर्य नारायण भगवान के बेटे के प्राण गए तो सूर्य नारायण भगवान शरण में आ गए थे कि आप मुझे शरण में ले लो, तो उनको शरण में ले लिया। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया था तो चंद्रदेव को उन्होंने शरण में ले लिया। बृहस्पति के पुत्र आ गए, बृहस्पति आ गए कि मेरा अपमान हो गया इंद्र के यहाँ, मुझे शरण में ले लो,
उन्होंने बुध को, मंगल को और बृहस्पति को शरण में ले लिया। शनि का पांव टूट गया, शनि के पांव में चोट लग गई, शरण में आ गए भोलेनाथ जी की कि मुझे शरण में ले लो, मेरा उद्धार कर दो, तो उनको शरण में ले लिया। अब एक शिव में चंद्र भी है, मंगल भी है, राहु भी है, केतु भी है, शनि भी है, सब शिव में है। तो आप अगर एक लोटा जल शिव जी को समर्पित कर रहे हो तो तुम्हें 10 जगह जाने की जरूरत नहीं, अकेला ही साध लेगा, वो राष्ट्रपति है। अब तुम कहो कि मैं मंगल के लिए कौन सी पूजन करूं, शनि के लिए कौन सी पूजन करूं, केतु के लिए कौन सी पूजन करूं, या मैं कौन कौन सी पूजन धारण करूं, तो ये तुम्हारी बुद्धि और विवेक का फल है। आप तो केवल देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करो, भगवान शिव की भक्ति करो। हम जब एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, जब हम एक लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ाते हैं, एक लोटा जल जब हम भगवान शिव को समर्पित करते हैं, तो वो जल हमारे शरीर में, हमारी राशि में जितने ग्रह खराब होते हैं, सारे ग्रह को वो एक लोटा जल शांत कर देता है और हमारे को ग्रहों के अनुकूल कर देता है। केवल एक लोटा जल। अब उसमें हमें ना तो विडंबना में पड़ना है, ना हमें कहीं पड़ना। वो एक लोटा जल हमारी सारी समस्या का हल। हंसने वाले हंसेंगे, कहने वाले कहेंगे, ताना देने वाले ताना देंगे, बोलने वाले बोलेंगे, वो बोल लेंगे। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। दुनिया कुछ भी कहे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें तो भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना है। हमें बस भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कोई कहेगा। तुम होटल में घूमोगे ना तो कोई तुमको टोकने वाला नहीं मिलेगा, मॉल में घूमोगे ना तो कोई तुमको टोकने वाला नहीं मिलेगा, कोई तुमको रोकने वाला नहीं मिलेगा। दुनिया के लोग सबसे ज़्यादा रोकते टोकते हैं तो केवल सत्संग में जाने से रोकते टोकते हैं, मंदिर जाने से रोकते टोकते हैं, भगवान का भजन करने से रोकते टोकते हैं। क्योंकि उनको सुहाता नहीं। हाँ, मेरी पंडरपुर की जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, एक निवेदन जरूर करेंगे। संसार में जन्म लेने वाले व्यक्ति का सबका दुख अलग अलग है और सबका सुख अलग अलग है। सबका दुख भी अलग है और सबका सुख भी अलग है। आधार कार्ड बनवाया आप लोगों ने? जम के तो बोलो। आधार कार्ड बनाने में सबसे जरूरी दो चीजें होती हैं, बाकी की किसी चीज की जरूरत नहीं होती। दो चीजें आधार कार्ड में सबसे जरूरी है। पहले नंबर पर है तुम्हारा फिंगर, तुम्हारे हाथ की उंगली, फिंगर का निशान। बोलो सही है कि गलत है? आधार कार्ड बनवाने में सबसे जरूरी है दो चीजें, एक हाथ का फिंगर और एक तुम्हारी आंखों की रेटिना। एक तुम्हारे नेत्र की रेटिना, तुम्हारे आंखों की रेटिना।
आधार कार्ड में ये दो चीज़ें जरूरी होती है, क्योंकि फिंगर भी सबके अलग अलग होते हैं और आँखों की रेटिना भी सबकी अलग अलग होती है, इसलिए आधार कार्ड सक्सेस होता है। नहीं तो एक जैसा नाम तो सबका है, रिटर्न थोड़ा सा बड़ा दिया, एक जैसा नाम तो सबका है। कमला कमला नाम के बहुत सारे लोग हैं, विमला विमला नाम के बहुत सारे लोग हैं, संध्या नाम के बहुत सारे लोग हैं, भानु प्रताप नाम के बहुत सारे लोग हैं, विमलेश नाम के बहुत सारे लोग हैं, कमलेश नाम के बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसे नाम तो बहुत सारे, एक एक नाम के बहुत सारे सारे लोग हैं। एड्रेस भी लगभग लगभग सबका मिल जाता है, एड्रेस भी सबका लगभग मिल जाता है, नाम भी सबका मिल जाता है, पर आँखों की रेटिना नहीं मिल पाती, नेत्रों की रेटिना नहीं मिल पाती और फिंगर का निशान नहीं मिल पाता। सबके दुख अलग अलग है, सबके कष्ट अलग अलग है, एक जैसा दुख किसी का नहीं है, एक जैसा कष्ट किसी का नहीं। अब जब एक जैसा दुख सबका नहीं है, एक जैसा कष्ट सबका नहीं है, एक जैसा सुख सबका नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है हमारी जिंदगी में बहुत सारे दुख आएंगे, कभी हमारा घुटना दुखेगा, कभी हमारी कमर दुखेगी, कभी हमारा बेटा रोएगा, कभी बहू की आंख में आंसू आएगा, कभी पोते की आंख में आंसू आएगा, कभी पोती की आंख में आंसू आएगा, कभी किसी को तकलीफ होगी, कभी किसी को दुख होगा। हम कब तक अलग अलग उपाय करते फिरेंगे, हम कब तक अलग अलग चीज़ों के लिए भगवान के पास जाते रहेंगे, हम कब तक अलग अलग बातों को परमात्मा के सामने कहते रहेंगे। तो उसका एक साधन बताया, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। उसका एक साधन है कि आप शिव के मंदिर में जाओ और एक लोटा जल शिव को समर्पित करो। आप भगवान के मंदिर में पहुंचकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करो, भगवान शंकर से प्रार्थना करो, अपने मन की बात देवाधिदेव महादेव से कहो। जब आप अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात, अपने मन की बात जब भगवान शिव से जाकर कहोगे, अपने मन की बात जब बाबा देवाधिदेव महादेव से कहोगे, तो उसका एक आनंद दूसरा ही होगा। एक विश्वास को बढ़ाना, संत नामदेव जी महाराज ने संसार के लोगों को दिया क्या? संत नामदेव जी महाराज ने संसार के लोगों को क्या दिया? संत नामदेव जी महाराज ने संसार के लोगों को विश्वास दिया कि मैं जब विश्वास के बल पर महादेव के मंदिर का दरवाजा बदल सकता हूं, तो विश्वास के बल पर परमात्मा भी पृथ्वी पर आ सकता है। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास ये हमारे भीतर होना चाहिए, और जब तक हमारे भीतर विश्वास नहीं होता, हमारे भीतर दृढ़ता नहीं होती, भरोसा नहीं होता, हमारी दृढ़ता हमारा विश्वास दृढ़ी नहीं होता, तब तक परमात्मा मिलता नहीं। कितना विश्वास, आप सब लोग बैठे हो इस कथा के पंडाल में, लाखों भक्त इस कथा को सुन रहे हैं और लाखों भक्त आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से भी कथा को सुन रहे हैं। एक आपके भीतर का विश्वास, एक पत्र है देखिए, गोरी शेखर खाड़गे, पत्र लिखने वाले आप हैं, पुणे कात्रज
मेरा मोबाइल नंबर ये है, जिनने लिखा है अगर वो बैठे हों तो अपना हाथ खड़े होकर हिला सकते हैं। आप ही ने लिखा, एक बार वापिस आते जाता। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। गौरी शंकर खाड़गे, मोबाइल नंबर मेरा ये है, पुणे कात्रस से हूँ। गुरुदेव, लॉकडाउन के समय पर इतनी तकलीफ रही, जॉब चली गई थी, सर्विस नहीं थी, कई लोग, कई महाराज लोग भी हमसे कहते हैं क्या शंकर जी पे जल चढ़ाने से या शिव जी का कोई उपाय करने से कुछ मिल सकता है। हम महाराजों के नाम तो नहीं लेंगे, पर उनका भी विश्वास शिव पर नहीं था। हमको बार बार टोकते थे कि आ शंकर को जल चढ़ाने से या शिव की पूजन करने से ऐसा हो सकता है, पर विश्वास दृढ़ होता है तो बाबा सुनता है। नौकरी चली गई थी, खाने पीने के भी तकलीफें जब आने लगी, केवल एक बार शिव महापुराण की कथा टीवी के सामने बैठकर सुनी और बाबा से विश्वास रखकर भरोसा रखकर प्रार्थना करा, तो खुद मेरा कोई लेटर नहीं था, केवल एक फोन आया और मुझे ज्वाइनिंग मिल गई और मेरी नौकरी वापिस लग गई। गुरुदेव, मेरी बेटी जो शंकर जी को मानती नहीं थी पर शिव जी में उसकी रुचि बढ़ी, वो नीट का एग्जाम दे रही थी, निकल नहीं पा रही थी। बेटी ने कहा, माँ मैं नीट का एग्जाम दे रही हूँ, क्या भोलेनाथ मुझे पास करेंगे? मैंने बेटी से कहा, वो सीवर वाला महाराज कहता है कि मेहनत पूरी करो, कर्म पूरा करो, अपनी मेहनत में कोई कमी मत करो तो भोलेनाथ साथ जरूर देता है। तू परीक्षा की तैयारी कर, बेलपत्री में शहद लगाकर शिवजी को चढ़ा और फिर एग्जाम देने के लिए जा। मेरी बेटी ने खूब मेहनत करी, गुरुदेव जैसा आप कहते हो उसी अनुसार, पर बेलपत्री में शहद लगाकर मेरी बेटी गई, वापिस लौट कर आई, उसका रिजल्ट आया तो पहली लिस्ट में उसका कोई नाम नहीं आया। जब पहली लिस्ट में नाम नहीं आया, मेरी बेटी उदास हो गई। उसने कहा, माँ भोलेनाथ सुनते नहीं है? मैंने कहा, नहीं, शिव की कथा कहती है कि सुनता है। दूसरी लिस्ट आई, उसमें भी मेरी बेटी का कोई रिजल्ट नहीं आया, नाम नहीं आया। मेरी बेटी तीसरी लिस्ट का इंतजार करती रही और तीसरी लिस्ट जब आई, तब मेरी बेटी प्रसन्न होकर कहती है, माँ मैं नीट के एग्जाम में पास हो गई और मेरे बाबा ने मेरी लाज रखी। गुरुदेव, मैं तो आखिरी में बस यही कहना चाहती हूँ कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने और कर दिया माला माल काशी वाले ने। शिव सुनता है, बैठो बहन श्री शिवाय में, शिव सुनता है, केवल आपका भरोसा दृढ़ रहना चाहिए, आपका विश्वास डोलना नहीं चाहिए। जो भरोसे का पक्का होता है, जो विश्वास का पक्का होता है, शिव उसके साथ होता है। आपका भरोसा कितना पक्का है, आपका विश्वास कितना दृढ़ है? जितना जितना विश्वास दृढ़ होता है उतना उतना शिव आपके सर करीब में होता है। जैसे उस माँ ने अपनी बेटी से कहा, पहला रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं, तो शिव के मंदिर जाना मत छोड़, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना मत छोड़। आप कितने विश्वास लेकर बैठे हो शिव महापुराण की कथा में कि मेरा बाबा सुनेगा? मेरा बाबा सुनता भी है, करता भी है, और कब वो कृपा कर जाता है ये दुनिया के लोगों को मालूम नहीं पड़ पाता कि कब उसने करुणा कर, उसको दया सागर कहते हैं, करुणा सागर कहते हैं। कैसी करुणा करता है, कब करुणा करता है वो मालूम नहीं पड़ने देता।
संत नामदेव जी ने अपने जीवन में करा क्या, लोगों के दिल में विश्वास दिया है, संत नामदेव जी भरोसा दिया, और बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होता, जब तक भरोसा पक्का नहीं होता, तब तक परमात्मा सामने आता भी नहीं। राधा जी गौलोक धाम से चंद्रभागा नदी के तट पर आई और चंद्रभागा जी से उन्होंने पूछा कि गंगा तुम्हारे दरवाजे पर झाड़ू क्यों लगा रही। चंद्रभागा जी ने एक शब्द भी नहीं कहा। राधा जी को हाथ जोड़कर चंद्रभागा जी ने कहा, बस मैं नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि गंगा आती है, बुआरी लगाती है, झाड़ू लगाती है। चंद्रभागा कहती है इस पंडरपुर में गंगा जी आकर अगर झाड़ू लगा रही है तो ये उत्तर तो स्वयं गंगा ही दे सकती है। गंगा जी के सिवा ये उत्तर कोई नहीं दे सकता। हम जजमान परिवार से कहें, चाहे वो सांसद महोदय संजय जी जाधव जी हों, चाहे वो अभिजीत जी पाटिल जी हों, चाहे वो काबरा परिवार हो, चाहे तिवारी परिवार हो, चाहे कायस्थ परिवार हो, इन सब से कहना चाहेंगे, आपको अगर बाबा ने यजमान पद पंडरपुर का दिया है तो ये आपकी पुण्या नहीं है, आपके माता पिता ने कोई पुण्य पूर्वज में करे होंगे तो उनकी पुण्या ही तुम्हारे सामने होगी, ये उनकी पुण्या ही है। पैसा डॉक्टर कह देगा ना तुमसे कि ये जांच कराओ, तुम 50,000 रुपए निकाल के जांच करा लोगे, बोलो सही है कि गलत है, कराना पड़ेगी, इतना डर जाता है व्यक्ति की वो जांच कराना पड़े। डॉक्टर ने कहा है तुम्हें यह पैसा यहाँ लगाना पड़ेगा, ये जांच और कराओ, 10,000 की जांच करवाना पड़ेगी, चाहे उधार लाओ कर्जा करो पर जांच कराओ। खून की जांच होती है, बोलो होती कि नहीं होती, अरे जम के तो बोलो। खून की जांच होती है, हार्ट की जांच होती है, ब्लड प्रेशर की जांच होती है, हर चीज की, आंखों की जांच होती है, कानों की जांच होती है, बीपी की जांच होती है, शुगर की जांच होती है, हर चीज की जांच होती है। उसी तरह जब तुम्हारा एक रुपया भी अगर सही जगह पर लग रहा है, तुम्हारा परिवार अगर शुमहा पुराण की कथा में यजमान पद ग्रहण करा है, या आप शंकर की कथा में बैठकर कथा सुन रहे हो, या 50 रुपए खर्च कर तुम पंडरपुर तक पहुँचे हो, शुमहा पुराण की कथा तक पहुँचे हो, तो ये हमारे धन की जांच है कि हमारा पैसा शुद्ध है कि अशुद्ध है, ये हमारे धन की जांच है। ब्लड की जांच होती है, शुगर की जांच होती है, बीपी की जांच होती है, हर चीज की जांच होती है। जब तुम्हारा पैसा बार बार डॉक्टर में लगे तो समझ लेना कि धन कुछ गड़बड़ आ गया है, तो वो गलत जगह लग रहा है, कोई खाके भग गया, कोई तुमने लगाया था पार्टनरी में वो ले गया, कहीं माल भेजा था वो माल डूब गया, उसने पैसा नहीं दिया, समझ लो कि पैसे की जाँच हो रही है। और तुम्हारा पैसा अगर जजमान पद ग्रहण कर लिया, तुमने अगर शिवपुराण कथा सुन ली, तुमने 100 रुपये 50 रुपये 10 रुपये 20 रुपये खर्च कर ऑटो में लगाकर गाड़ी में लगाकर ट्रेन में लगाकर तुम कथा के पंडाल में पहुंचे, बाहर चक गर्मी पड़ रही हो, खूब चिलचिलाती धूप पड़ रही हो और तुम्हारे को प्यास भी लग रही है और तुम्हें कथा के पंडाल तक जाना है। कई कई लोग ऐसे भी होंगे पंडरपुर की भूमि पर रह रहे होंगे, पंडरपुर में बंगले और गाड़ियां उनके घर में होंगे, खूब जोरदार मकान बनाकर रह रहे होंगे, पर अपना घर छोड़कर भी वो कथा के पंडाल तक नहीं जा पाएंगे क्योंकि परमात्मा उनको नहीं बुलाता। सारी दुनिया के लोग, बारकरी संप्रदाय के लोग 200-300 किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर 500 किलोमीटर दूर तक चलकर
पंडरपुर पहुंचकर भगवान का दर्शन करते हैं, और कई पंडरपुर में रहने वाले भी ऐसे 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 जीव होंगे जो अपनी दुकान छोड़कर भी हरि विट्ठल का दर्शन करने आषाढ़ी एकादशी के दिन नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उन्हें फुर्सत नहीं। अगर काम धंधा काम धंधा काम धंधा, व्यापार व्यवसाय करते 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 करते, अरे जिस आषाढ़ी एकादशी को पूरी दुनिया चलकर पंडरपुर आ रही है, उस आषाढ़ी एकादशी को एक मिनट तो तू भी झलक ले ले मेरी हरि विट्ठल की, तो तेरी जिंदगी सवर जाए। कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, खूब कमाओ, पूरा जीवन पड़ा है, खूब दिल से कमाना, कोई मना नहीं करेगा तुमको, कोई नहीं रोकेगा। और हम भी कहते हैं कथा में, तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा कमाओ, तुम्हारे से जितना बन जाए उससे दुगना कमाओ, हम मना नहीं करेंगे, पर अपने धन की जांच भी करिए। सत्संग में गए, ये हमारे धन की जांच है। भजन में पहुंच गए, भजन में तुम्हारा मन लग गया, ये हमारे अन्न की जांच है। यहां सांसद महोदय बैठे हैं, कावरा जी आपके पास में जो सांसद जी बैठे हुए हैं, इनकी जब शादी पक्की हुई, इन्होंने अपनी धर्म पत्नी के गले में मंगलसूत्र बाद में बांधा, क्योंकि संजय बंडू भैया सांसद जी ये वारकरी हैं, इनके गले में तुलसी की कंठी है, इन्होंने मंगलसूत्र बाद में बांधा, पहले गले में तुलसी की माला बांधी, उसके बाद मंगलसूत्र बांधा। पहले तुलसी की माला बांधी फिर मंगलसूत्र बांधा, कि उनको भी वारकरी संप्रदाय में जोड़ा गया। अपना पहले हरि के बन जाओ, पहले परमात्मा के बन जाओ, बाकी की जिंदगी तो सब चलती ही रहेगा। हम रहने के बाद भी, पंडरपुर में रहने के बाद भी अगर हम चंद्रभागा का स्नान नहीं कर सके, पंडरपुर में रहने के बाद भी हमारी विट्ठल का दर्शन ना कर सके, और हम गर्व से कहते हैं कि हम पंडरपुर में रहते हैं, तो हरि विट्ठल भी कहेगा बहुत आते हैं बहुत। पंडरपुर में बहुत आते हैं, हरि विट्ठल भी कहते हैं, इतने आते हैं किसी के लिए मेरा हरि विट्ठल मंदिर को छोड़कर बाहर चले जाता है, और किसी किसी को मंदिर में अपने सिर पर बिठाकर मंदिर के अंदर ले जाता है। बहुत आते हैं बहुत। आप सब जितने भी भक्त लोग पंडरपुर की कथा में आए हैं, ये लाखों की संख्या में पहुंचे हैं, अपने अपने घर जाकर नजर उतरवा लेना, तुम्हारे ऊपर बाबा की बड़ी कृपा है जो तुम इस पवित्र भूमि तक पहुंचे हो, इस पवित्र भूमि तक पहुंचे हो। कई ऐसे होंगे उलझ गए, एक बार लोग शिव महापुराण के ट्रैफिक में उलझ जाते हैं, आप में से कई लोग होंगे ट्रैफिक में उलझे कि नहीं उलझे अभी तक, अरे बोलो तो जमके जमके तो बोलो जरा। अब यहां से मतलब मत रखो कि कथा के ट्रैफिक में, मतलब तुम तो मुंबई चले जाओ, पूना चले जाओ, बड़े शहर में चले जाओ, तुम्हारे नगर में चले जाओ, तुम कहीं जा रहे हो वहां चले जाओ, जब तुम ट्रैफिक में उलझ जाते हो तो तुम्हारा चेहरा कैसा रहता है? तुम जाके देख के तो आओ, आधा घंटा हो गया, जाओ जरा जल्दी जाओ। फिर वो गया, उसको भी गुस्सा, अरे आगे बढ़ाना तेरी गाड़ी, बीच में लेके खड़ा हुआ है। जब व्यक्ति ट्रैफिक में उलझता है तो उसको क्रोध आता, बोलो आता है कि नहीं आता? जब व्यक्ति ट्रैफिक में उलझता है तो उसके मुंह से अपशब्द निकलता है, बोलो निकलता है कि निकलता? जब व्यक्ति ट्रैफिक में उलझता है तो वो डिप्रेशन में आ जाता है, अब कब खुलेगा, आधा घंटा तो हो गया, पहुंचना था मुझे इतनी बजे और इतना बज रहा है, जल्दी क्या करूं मैं, अब इधर भी गाड़ी इधर भी गाड़ी सामने भी गाड़ी पीछे भी गाड़ी, करूं क्या, इतना उलझा पड़ा। ट्रैफिक में उलझा था, फिर धीरे से ट्रैफिक खुला,
धीरे से खुला तेरी गाड़ी आगे बढ़ी तब तेरे चेहरे पे स्माइल आई, प्रसन्नता प्रसन्न। और फिर जब धीरे धीरे पूरा रास्ता खुल गया, फिर हवा भी लगी गाड़ी की और फिर टेप चालू करा, विट्ठल विट्ठल विट्ठल, फिर टेप चालू करा गाड़ी का और भजन में अब मन लगा और रास्ता क्लियर, और क्लियर करते 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 फिर अपनी मंजिल तक पहुंच गए। ये केवल ट्रैफिक की कथा नहीं है, ये अपनी कथा है। संसार के ट्रैफिक में अपन सब उलझे हुए हैं, थोड़ा इंतजार करना, ट्रैफिक क्लियर जरूर होगा, उलझने हटेगी जरूर, ये निश्चित है। कितना भी ट्रैफिक लगाओ, कितना भी ट्रैफिक जाम हो, क्लियर होने में थोड़ा समय लग सकता है, धीरे धीरे क्लियर होगा, तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता जरूर आएगी। उसी तरह संसार में कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफें आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, घबराना मत, ट्रैफिक क्लियर जरूर होगा, निश्चित। दुख क्लियर होगा, निश्चित है। थोड़ा तकलीफें आई हैं जीवन में, वो मिटेगी। और अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। थोड़ी उलझन, एक पत्र है देख, मैं सोर अंजना राजेश बंदमवार नांदेड़ जिला धूंगरा, तुम समझ गए क्या? बस अपना काम हो गया, तुम्ही को तो समझना है, बाकी की तो सब जानने दो। मैं सोर अंजना राजेश बंदमवार नांदेड़ जिला रा धूंगरा का, ठीक है, कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठे आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, प्रणाम। गुरुदेव, मेरा बेटा जो कि यूपीएससी की तैयारी करता है, अपने शरीर की समस्या की वजह से धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया था। हमने हर डॉक्टर के पास जाकर उसे दिखाया, उसका इलाज करवाया, केवल अपने नगर में ही नहीं बड़ी बड़ी शहर में ले जाकर उसका इलाज करवाया। सारे लोग बहुत परेशान हो गए, हताश हो गए, किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, इतना डिप्रेशन में वो पहुंच गया था। उन दिनों में मेरी बड़ी बहन घर में आई थी तो उसे मैंने अपनी सारी परेशानी बताई, तो उसने मुझे बताया कि सीहोर के प्रदीप मिश्रा कथा करते हैं, तो कथा सुन, उसमें एक लोटा जल सारी समस्या का हल बताते हैं। शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करा, तभी से मैं शिव जी को एक लोटा जल अर्पित करने लगी, मैं शिव जी को जल चढ़ाने लगी। गुरुदेव, पिछले 6 महीने से शिव जी की आराधना मैं पूरे मन से कर रही हूँ और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूँ। गुरुदेव, बाबा बाबा है। मेरे रिश्तेदार से मैंने रुद्राक्ष मंगवाया, तांबे के कलश में गलाकर शिवजी को चढ़ाकर वो जल देना प्रारंभ करा। उसी बीच में मेरे चाचा जी की तबीयत खराब हो गई, उनको भी मैंने रुद्राक्ष का जल दिया और उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ। मैं निवेदन करना चाहूँगी गुरुदेव, बाबा की करुणा किसको कहते हैं। आज शिवजी की कृपा से मेरे बेटे को एक भी गोली दवाई की जरूरत नहीं है और मेरा बेटा यूपीएससी क्लियर कर रहा है, ये बाबा की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हुई है। बधाई आपको, हर हर महादेव। एक बार वापिस हाथ हिला दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कितनी भी समस्या, बैठिए, उलझनों में गिरा हुआ व्यक्ति है, डिप्रेशन अर्थात ट्रैफिक का जाम है, ट्रैफिक जाम है तो क्लियर भी होगा, थोड़ी समस्या ज्यादा है तो उसका हल भी होगा।
कि अगर भोले बाबा का सहारा न हो तो दुनिया में कोई हमारा न हो। अभिजीत जी पाटिल जी पंडरपुर के। हाँ बाजी, जब हम यहाँ पहुँचे थे तो इन्होंने कहा था गुरुजी पंडरपुर में बहुत सारे आयोजन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, करने वाला हरि विट्ठल है। एक बार कथा चालू हो जाए ना तो हमारी आधी चिंता मिट जाए। तो कल जब हम जा रहे थे तो पाटिल जी कह रहे थे अभिजीत जी, हे गुरुदेव, बड़ी कृपा पंडरी नाथ ने करी, मालूम नहीं पढ़ने देता कि 1 बजे से 4 कब बज जाती है और भक्त अपना कथा का रसपान कर कर अपने अपने भवन की ओर चले जाते। शिव तत्व है यह, ओघड़ी का तत्व। आप जितना जितना भक्ति में डूबेंगे, आप जितना जितना भजन में डूबेंगे, उतना उतना सुख है। डूब लो, बस अंतर है। पानी में डूबने वाला मर जाता है और शिव महापुराण में डूबने वाला तर जाता है। दोनों में अंतर है। पानी में डूबोगे तो मरोगे और शिव महापुराण में डूबोगे तो तरोगे। ये निश्चितता है कि आप शंकर की कथा का रस तत्व जो ग्रहण कर रहे हो उसमें भक्ति का एक आनंद है। ट्रैफिक कितना भी जाम हो, दुख कितना भी हो, कष्ट कितना भी हो, रोग कितना भी हो, बीमारी कितनी भी हो, तकलीफ कितनी भी हो, कितनी भी तकलीफ हो, आप शंकर जी को एक लोटा जल तो चढ़ाओ। अब कई माताएं कहती है, मैं तो अभी 2 महीने से चढ़ा रही हूं, मैं 4 महीने से चढ़ा रही हूं, भगवान मेरी सुनता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। उसका कारण क्या? आपने दिल से चढ़ाया ही नहीं। दो तरह का भोजन बनता है। ओ मेरी जीजियों, आप भोजन बनाती हो ना तो 2 तरह का भोजन बनता है। एक भोजन सास से लड़ाई हो जाए तब बनाओ, और एक भोजन तुम्हारी शादी की सालगिरह, खूब जोरदार सिर पे और यहां से गजरे लटक रहे। भेरू तो सोई रिया है और तुम जगदम्बा ऐसी तैयार हो और पेंसिल से फिर लाइन खींच के और डब्बा भर के और जोत तैयार हो के और चाय लेके तुम फिर सर के पास पहुंची, गुड मॉर्निंग, आज अपनी शादी की सालगिरह। पति तकिए से टिका, आज ही का ही वो दिन था, आज ही का दिन था जिस दिन मेरी मती मारी गई थी, आज ही का दिन था। अब वो फिर भी वो प्रसन्न में और भोजन बना रही है। एक सास से लड़ाई हुई तब भोजन बनाया, और लड़ाई में जो भोजन बना उसका स्वाद तुम खाके देख लेना, कहीं मिर्ची तेज, कहीं नमक तेज, कहीं कुछ कहीं कुछ। और जिस दिन उस दिन का भोजन करके देखना, क्या जोरदार भोजन, क्या। बहुत बहुत समझ वाली बात है। वो एक पति की पत्नी मर गई, आरती सज गई, ले जाने लगे, राम नाम सत्य है, जाते जाते आम के पेड़ के नीचे से अर्थी निकल रही थी, उस पे बंदर कूद गया। जो डाली पे बंदर कूदा वो डाली उसकी पत्नी को लगी, लगते से ही पत्नी उठ के, लगते से
पत्नी उठ के बैठ गई, जिंदा हो गई, सब तो भग गए, ये समझा कि जिंदा हो गई, चले गए। 6 महीने बाद फिर मर गई, सब रो रहे थे, ये कुलाड़ी ढूंढ रहा था। सबने पूछा क्या हो गया, कुलाड़ी ढूंढ रहा हूं। क्यों? पत्नी मर चुकी है, रो, उनको लेके चलो। नहीं, पहले आम का पेड़ कटवाओ, फिर लेके जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा ही नहीं। भोजन में अंतर है, जो प्रेम से बनाया जाए वो भोजन कर कर देखोगे तो उसमें एक आनंद की अनुभूति होगी, जो क्रोध से बनाया जाए उसमें रुचि नहीं होगी, ना आनंद होगा, ना वात्सल्यता होगी, ना प्रेम होगा। उसी तरह पशुपति व्रत करने वाले भी दो तरह से व्रत करते हैं, एक भाव से करते हैं, एक हमको कुछ चाहिए तो करते हैं, एक भाव से कि भगवान का मैं व्रत करूंगी और मेरा विश्वास कहता है कि मेरा बाबा सुनेगा। एक पत्र है, देखिए, रूपाली नितिन परदेसी, तैली मुकाम पोस्ट फलटन, जिला सतारा, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, प्रणाम। आपने बहुत अच्छी एक लाइन लिखी है, आज तक हमने इस लाइन को तो गुनगुनाया नहीं, पर आपने लिखा है तो बहुत अच्छा लिखा है। ऐसा दरबार कहाँ, ऐसा दाता कहाँ, छोड़ी सारी ये दुनिया ऐसी सरकार कहाँ। आपको बहुत बहुत नमन, बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूँ, एक लोटे जल का महत्व बताती हूँ। गुरुदेव, मेरी सब पीड़ा बाबा ने मिटा दी। 25 साल से रजो धर्म की तकलीफ थी, इतनी पीड़ा पेट में होती थी कि मेरे से दर्द सहन नहीं होता था। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, दवा ली, पर आराम नहीं लगा। 23 साल निकल गए, फिर अचानक दर्द इतना बढ़ गया कि मेरे पति ने मुझे पूना के कमांड अस्पताल में दिखाया, वहाँ सोनोग्राफी करवाई और डॉक्टर ने जब देखा तो बताया कि बच्चेदानी में 2 गठाने हो गई, एक 4-8 की है सेंटीमीटर की, एक 4-1 सेंटीमीटर की, 2 गठान है, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, सब जांच करवा लो, और वापस आ गए। मुझे मेरी ननंद ने कहा कि टीवी पर कथा आती है, आस्था चैनल पर सीओर वाला महाराज कथा करता है शिव पुराण की, वो आप सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करा। पहले हम शिव मंदिर नहीं जाते थे, तब हमने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मेरी ननंद ने बोला कि तू कर, वो सीओर वाला महाराज बताता वैसा कर, मेरा विश्वास कहता है कि तेरे पेट में आराम लगेगा और गांठ में भी आराम हो जाएगा। हमने वैसा करना, जल चढ़ाना प्रारंभ करा। ऑपरेशन की तारीख आ गई, 15 जून को ऑपरेशन था और 12 जून को हमें एडमिट होना था। छत्रपति संभाजी नगर में आपकी कथा होने वाली थी, मेरी ननंद ने मुझे वहाँ पे कथा के पंडाल में आने के लिए कहा। मैंने 7 जून की कथा सुनी और बाबा से पंडाल में बैठ के प्रार्थना करी कि मेरा ऑपरेशन नहीं हो बाबा, मेरी पेट में जो गांठें हैं वो गल जाए, ऐसी कृपा करना। 15 जून को हमको ऑपरेशन के लिए जाना है और 12 जून को एडमिट होना है। 7 जून को हम संभाजी नगर की कथा सुनने के लिए गए। 8 जून को हम वहीं से संभाजी नगर से निकलकर सीधे सीहोर पहुंच गए और वहां से रुद्राक्ष लेकर बाबा का दर्शन कर हम 10 जून को आ गए। 11 जून को घर पहुंचे, 12 जून को हम फिर रुद्राक्ष का जल चढ़ाकर उसको पीकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। जैसे ही हम हॉस्पिटल में गए, 13 जून के दिन
हॉस्पिटल में जब पहुँचे तो हमारी जांचें प्रारंभ हो गई और डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पेट में इन्फेक्शन ज़्यादा है, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन है इसलिए तुम्हारा ऑपरेशन नहीं होगा। ऑपरेशन टल गया, ऑपरेशन नहीं होगा। हमने डॉक्टर से कहा पेट में दर्द ज़्यादा है, तकलीफ ज़्यादा है, गठाने हो सकता है बढ़ जाए, आप ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर ने कहा इतने इन्फेक्शन में हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। हम बाबा को नमन कर कर वहाँ से वापिस आ गए, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। गुरुदेव आप कहते हो पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या लाभ होता है, 7 जून की कथा सुनी और आज बाबा के दरबार में बैठकर मैं नमन कर कर कहती हूँ, जैसे ही जांच कराई तो मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई और अब मेरा शरीर ठीक है, मैं बाबा को नमन करती हूँ। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति है, क्या देगा शंभु, क्या प्रदान करेगा शिव, ये उसके ऊपर निर्भर कर। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। शिव क्या देता है, शंकर क्या कृपा करता है, जहां जहां शिव महापुराण की कथा होती है हम वहां लोगों से कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये शंकर भगवान अपनी झोली का पूरा खजाना लेकर आते हैं और आपके नगर में लुटा कर जाते हैं। जो बटोरने वाला होता है वो बटोर लेता है, जो बटोरने वाला होगा वो बटोर लेगा, जो रखने वाला होगा वो रख लेगा, जो लेने वाला होगा ले लेगा। वो जैसे माताएं भजन गाती ना, राम नाम के ही रामोती में बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ। उसने लुटा दिया, उसने दे दिया, अब आपका फर्ज आप कितना ग्रहण कर रहे हैं। शिव महापुराण में संवाद आता है विद्येश्वर संहिता में, देवऋषि नारद काम पर विजय प्राप्त करने के लिए, काम को जीतने के लिए तप करे। काम पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, सबसे पहले विजय प्राप्त कर कर वो कामदेव पर विजय प्राप्त कर कर शिव जी के पास गए, क्योंकि शंकर भगवान की समाधि कामदेव ने तोड़ दी थी, वो कामदेव ने समाधि तोड़ी थी, इसलिए सबसे पहले उनके पास गए कि तुम काम को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीती। शिव जी ने हाथ जोड़कर देवऋषि नारद से कहा कि आप काम को इसलिए जीत लिए क्योंकि आप देवऋषि नारद, संत साधु गुरु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक ये कुछ भी जीत सकते, मना नहीं है। हम आपको प्रणाम करते हैं कि आपने काम को जीत लिया। शिवजी ने नंदी से कहा कि एक रुद्राक्ष की माला लाओ। रुद्राक्ष की माला शंकर भगवान ने देवऋषि नारद के गले में पहना दी। नारद जी बाहर निकले तो शंकर भगवान ने कहा सुनो जो तुमने मुझसे कहा ये भगवान विष्णु से मत कहना कि शंकर जी काम को नहीं जीत पा और मैं जीत गया, ये आप ना कहिएगा।
ये आपको बोलना नहीं है, भगवान विष्णु से हो। देवऋषि नारद जाने लगे, शंकर जी ने बैठने का स्थान दिया था तो देवऋषि नारद नहीं बैठे थे। बाहर निकलते से रुद्राक्ष की माला को निकाल कर जमीन पर फेंक दिया देवऋषि नारद। कई लोगों के हृदय में ब्रह्म रहता है, कई लोगों के हृदय में एक भ्रम है, तुलसी की माला पहने तो रुद्राक्ष की माला पहने कि नहीं पहने। रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो तुलसी की माला पहने कि नहीं पहने। कभी डॉक्टर को दिखाने के लिए गए हो आप लोग? बोलो तो जम के। तुम्हारे पेट में दर्द हुआ, किसी डॉक्टर ने आज तक एक गोली दी? अरे जम के तो बोलो। नहीं। कितनी गोली देता है? एक गोली के साथ दूसरी गोली जरूर देगा। इसका साइड इफेक्ट नहीं हो तो ये वाली गोली साथ में रखो, ये सुबह ले लो, ये दोपहर में ले लो। उसी तरह रुद्राक्ष की माला और तुलसी की माला हमारे गले में है तो दुनिया के साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकते, ये निश्चित है। कौन कहता है कि रुद्राक्ष के साथ तुलसी मत पहनो, तुलसी के साथ रुद्राक्ष मत पहनो? कौन सी पुराण में लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा, कौन से वेद में लिखा, किस जगह पर लिखा, शिव महापुराण के कौन से अध्याय में लिखा, कौन से स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, कूर्म पुराण में, ब्रह्म विवर्त पुराण में, नरसिंह पुराण में, नारद पुराण में, कौन से पुराण में लिखा कि तुलसी की माला के साथ रुद्राक्ष नहीं होना चाहिए, रुद्राक्ष के साथ तुलसी नहीं होना चाहिए? कहां लिखा है? ये दुनिया के लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया, दुनिया के लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया। तुलसी के साथ रुद्राक्ष मत पहनना, रुद्राक्ष के साथ तुलसी मत पहनना। हम तो अंदर से लेकर बाहर तक रुद्राक्ष और तुलसी धारण करते हैं, चाहे जो उस रुद्राक्ष और तुलसी एक वो कहते हैं ना कि भगवान को भोग लगाओ ना, तो उसमें तुलसी का दल डालना जरूरी है। बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार करते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। जब बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते तो तुम्हारे तन पर तुलसी की माला नहीं होगी मरते समय, तो तुम्हें स्वीकार करेगा? करेगा नहीं। और जब तुम्हारे गले में एक रुद्राक्ष पड़ा होगा, जब तुम्हारे गले में एक रुद्राक्ष की माला होगी या रुद्राक्ष पड़ा होगा तो बैकुंठ तुम जाओगे तो तुम्हें महादेव अपने नंदी पर बिठाकर अपने साथ लेकर बैकुंठ तक जाते हैं। केवल ऐसे ही पैदल चलकर बैकुंठ नहीं चले जाओगे, तुम्हें महादेव नंदी पर बिठाकर, नरसिंह भगत की कथा आती है लेकर गए, नामदेव जी की कथा आती है ओंडा नागनाथ में, भगवान शंकर नामदेव जी के लिए प्रकट होकर उनके गले में रुद्राक्ष डालकर गए, पंडरनाथ की कथा आती है जब देव अधिदेव महादेव मिलने के लिए हरि विट्ठल से आए तो भगवान शंकर ने देखा, भगवान नारायण ने देखा, हरि विट्ठल ने देखा, पहला वार करी, पहला जिसने वारी करी वो पहला वार करी थे भगवान शंकर। जब दरवाजे पर आए तो शिव जी प्रसन्न, भगवान नारायण प्रसन्न थे, उन्होंने अपने गले की तुलसी की माला निकालकर स्वयं शंकर भगवान के गले में डाल दी। तुम में भेद, हम में भेद, संसार में भेद हो सकता है पर परमात्मा में कभी भेद नहीं हो सकता। ये तो दुनिया के लोगों ने अपने अपने एक स्त्रोत बना रखे हैं, राम जी शंकर जी के मंदिर मत जाना, शंकर जी का प्रसाद मत खाना, शंकर जी के मंदिर में जल मत चढ़ाना, शंकर जी को स्त्री स्पर्श नहीं करे। अगर शंकर जी को स्त्री स्पर्श नहीं करे तो पार्वती क्यों शिव जी की पूजन करे? क्यों?
अगर स्त्री स्पर्श नहीं करे तो बाबा घृष्णेश्वर की कथा कहती है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की दो धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घुष्मा। घुष्मा के गर्भ से बच्चा हुआ, उसने सुदेहा को दे दी अपने पति के कहने पर। सुदेहा ने उस बच्चे को बड़ा करा, पाल पोस के बड़ा कर उसकी शादी कर दी, उसकी बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घुष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को क्रोध आ गया, उसने अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ले जाकर तालाब में पटक दिए। घुष्मा का नियम था, शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करती थी और पूजन कर उसका विसर्जन करती थी। अगर स्त्री नारी शंकर के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकती तो फिर घोषमा ने कैसे शंकर जी की पूजन कर ली और स्पर्श कर पूजन कर विसर्जन करके आई। जो विसर्जन करा, शंकर जी से कहा, मेरा बेटा बहुत दिन से नहीं देखा बाबा, कृपा करो 15 दिन 8 दिन 20 दिन पहले मरा हुआ बेटा तैरता हुआ बाहर निकल कर आ गया, वो घृष्णेश्वर महादेव हो गए। जरा विचार करिए, कौन कहता है कि नारी शिव जी का पूजन नहीं कर सकती। माता सीता ने शंकर भगवान का पूजन करा, माँ कौशल्या कह कही सुमित्रा शिव जी का पूजन करती हैं, माता यशोदा शंकर का पूजन करती हैं, यशोदा जी की माँ भगवान कृष्ण की नानी पाटला देवी शंकर जी का पूजन करती हैं। राजा जनक स्वयं शंकर जी का पूजन करते हैं, सुनैना जी कैसा शिव आराधना हमारे जीवन का एक आनंद है। उन्होंने रुद्राक्ष की माला को फेंक दिया, देवऋषि नारद ने फेंका, नंदी ने उठा लिया। नंदी उठाकर शिव जी के पास गए, ये माला। शिव जी ने कहा, ये माला तो मैंने नारद जी को दी थी, तुम्हारे पास ये माला कैसे आ गई? जमीन पर पड़ी थी, जमीन पर पड़ी। ठीक है, जब जिंदगी में तकलीफ आना होती है तब व्यक्ति शंकर भगवान की निंदा करना चालू कर देता है, या शिव पुराण की निंदा करना चालू कर देता है, या शंकर के भक्त की निंदा करना चालू कर देता है। सब समझ लेना, जब मुख से शंकर की निंदा हो रही हो, शिव पुराण की निंदा लोग कर रहे हो, जिसने करी अब समझ लेना कि उसके जीवन का तकलीफ का समय प्रारंभ हो गया, अब उसकी जिंदगी में अब दुख सामने खड़ा, जीवन में दुख उसके सम्मुख। जैसे ट्रेन का सफर करने वाले को दरवाजे के पास की सीट मिलती है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। जो जाए वो दरवाज़ा खोल के चले जाए, सर सर करके हवा आए, बोलो सही है कि गलत है? जो आए वहीं पर खड़ा हो जाए, धक्के दे। उसी तरह जैसे कि मकान जो बनते हैं, उस मकान में जो कॉर्नर का मकान होता है उसमें भी तकलीफें रहती है। ये नियम, जैसे हवा के प्रेशर पड़ता है दरवाजे पर, तो दरवाजे पर पड़ता है तो वहीं बैठे हुए व्यक्ति को तकलीफ भोगना। उसी तरह शिव की निंदा करने वाला, शंकर की निंदा करने वाला, शंकर के लिए अपशब्द कहने वाला, वो उसको भोगना पड़ेगा। अब नारद जी का समय आ गया, जिन्होंने रुद्राक्ष को जमीन पर फेंक दिया, जिसकी कोई मूलता नहीं जानी। कितना सुंदर कहा, तुलसी का मन का और रुद्राक्ष का मन का कभी खंडित नहीं होता। बहुत ध्यान देना, जिस तुलसी के मनके से आप माला जपते हो, रुद्राक्ष के मनके से आप माला जपते हो, उसका मनका भी अगर टूट गया है तो उसको झोली में ही पड़े रहने दो, क्योंकि तुम्हारी माला जपते 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 वो मन का इतना राम में रम गया, इतना हरि विट्ठल में रम गया, इतना शिव में रम गया कि वो मन का सिद्ध हो गया, और इतना सिद्ध हो गया कि वो मन का टूटने के बाद भी टूटा हुआ नहीं है, वो सिद्ध की सिद्ध है।
किसी भी देवता की मूर्ति टूट जाती है तो खंडित कहलाती है। राम जी की मूर्ति टूट गई खंडित कहलाएगी, भगवान कृष्ण की मूर्ति टूट गई खंडित कहलाएगी, दत्त की मूर्ति टूट गई खंडित कहलाएगी, जिस देवता की मूर्ति है जरा सी भी टूट गई तो खंडित कहलाती है। पर केवल एक शंकर जी का शिवलिंग ऐसा होता है जो टूट भी जाता है तो खंडित नहीं कहलाता, अखंड कहलाता है। तुम्हारे घर में अगर शंकर का शिवलिंग है वो टूट भी गया, आप सीहोर का कंकर उठा कर लिया उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, आप शंकर नर्मदा का कंकर उठा के लिया उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, तुम्हारे घर में जो शिवलिंग है वो टूट गया खंडित हो गया, वो खंडित नहीं माना जा सकता, उसको खंडित नहीं कह सकते। उसके चार टुकड़े भी हो गए तो वो सहस्त्र कहलाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े भी हो गए तो सहस्त्र शिवलिंग कहलाएगा, सहस्त्र लिंग कहलाएगा, वो खंडित नहीं कहला सकता। हमसे लोग बात कहते हैं गुरुजी हमारे गांव में एक बहुत पुराना शिवलिंग है वो खंडित हो गया, तो वो उस शिवलिंग का हम क्या करें। हमने कहा फोटो भेजो जरा शिवलिंग का, अब उन्होंने फोटो भेजा शिवलिंग का, और फोटो भेजा तो फोटो आया, फिर हमने आश्रम पर जब फोटो आया कुबेरेश्वर धाम पर तो ऑफिस के उस व्हाट्सएप पर हमने देखा चेक करा तो हमने कहा शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, शंकर के शिवलिंग के अगर बारीक बारीक टुकड़े टुकड़े भी हो जाए, कण कण भी अलग हो जाए तो भी वो शिवलिंग ही कहलाता है। कभी जाना कुल्लू मनाली में, मनाली में बिजली महादेव हैं, कभी मौका लगे तो बिजली महादेव का दर्शन करने जाना, आसमान में जो बिजली चमकती है वो बिजली महादेव पर गिरती है, उसका नाम बिजली महादेव है, बिजली महादेव पर गिरती है तो महादेव के शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, इतने टुकड़े होते हैं कि उसको बारीक बारीक टुकड़ों को वापिस जोड़ना पड़ता है, शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, बिजली महादेव पर बिजली गिरती है टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जब टुकड़े टुकड़े हो गए तब एक परिवार में, उसके परिवार में कोई विकलांग है, वो विकलांग ऊपर जाता है, उसके घर में कोई ना कोई विकलांग जरूर होता है, वो सब दूर से माखन मंगकर ऊपर जाता है, बिजली महादेव के टुकड़े टुकड़े इकट्ठे करता है, मक्खन से उसको जोड़ देता है, जोड़कर एक लोटा जल समर्पित करता है, फिर हाथी के पांव से भी तोड़वाओ तो वो महादेव नहीं टूटते हैं, उसको बिजली महादेव कहते हैं। बिजली महादेव जिनके टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ जाते हैं, शंकर भगवान कभी खंडित नहीं होते, कभी खंडित नहीं है, अखंड है, अखंड। आपके घर में कोई शिवलिंग है वो खंडित हो गया, आप उसे खंडित मत मानना, उसकी सेवा करो, पूजन करो, आराधना करो, फल देगा। रुद्राक्ष खंडित हो गया उसे खंडित मत मानना, रुद्राक्ष कभी खंडित नहीं होता, दो टुकड़े भी हो गए तो समझ लेना कि गौरी और शंकर हो गए, चार टुकड़े भी हो गए तो समझ लेना गौरी शंकर कार्तिक और गणेश हो गए, उसके छह टुकड़े भी हो गए तो समझ लेना कि जया विशारा सामली वारी दौतली और देव, ये पांच कन्या भी उनके साथ आ गई। उस रुद्राक्ष के टुकड़े टुकड़े भी हो जाए तो वो मान्य है। सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर जो रुद्राक्ष मिलता है उसमें अगर थोड़ा सा भी रुद्राक्ष, कई माताएं कहती है ये खंडित है, अब उनको समझाने वाला कौन समझाए, ये तो खंडित है भैया हमको दूसरा दे दो, उनको समझना चाहिए रुद्राक्ष शिव शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, वो अखंड है। सबके जाने की कथा है, राम जी के बैकुंठ जाने की कथा है, कृष्ण भगवान के जाने की कथा है, सारे देवताओं के जाने की कथा है। आपने कभी शंकर जी के जाने की कथा सुनी क्या कि शिव जी इस पृथ्वी को छोड़ के चले गए, अखंड। जो दुनिया के लोग तुमसे कहें कि पंडरपुर का इतिहास बताओ, कोई दुनिया के लोग कहें तुमसे कि चंद्रभागा का इतिहास बताओ, भीमा का इतिहास बताओ, कोई तुमसे कहे कि इस पंडरीनाथ का इतिहास बताओ, क्या पंडरी ये पौंडरिक था तब पंडरपुर था ना। जो कहते हैं कि पौंडरिक आए और पंडरीनाथ तब आए तो ये इतिहास नहीं,
पंडरपुर का इतिहास देखना है तो स्कंद पुराण में देखो, उसमें लिखा है सतयुग था तभी भी पंडरपुर था, त्रेता था तभी भी पंडरपुर था, द्वापर था तो भी पंडरपुर था, और कलयुग है तो भी पंडरपुर है, और फिर युग निकलेंगे फिर पंडरपुर रहेगा। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि जिस स्थान पर देव अधिदेव महादेव रहते हैं, जिस स्थान पर शंकर रहते हैं, वो स्थान कभी समाप्त नहीं होता। उज्जैनी कभी समाप्त नहीं होती, काशी कभी समाप्त नहीं होती, घृष्णेश्वर कभी समाप्त नहीं होता, भीमाशंकर कभी समाप्त नहीं होता, केदारेश्वर, पूरे केदारेश्वर में त्राही त्राही मच जाए, चाहे बिल्डिंग गिर जाए, चाहे दुनिया तहस नहस हो जाए, तो भी केदारेश्वर केदारेश्वर अटल की अटल रहता है, वो टूटता ही नहीं, वो टूटता नहीं, वो बिखरता नहीं, वो अखंड है। सोमनाथ जिस पर लोगों ने आक्रमण करा, सारा तोड़ दिया, फिर अखंड हो गया, फिर अखंड। शिव कभी समाप्त नहीं हुआ। तो पंडरीनाथ लोग कहे पंडरपुर, पंडरपुर का इतिहास क्या? पंडरपुर का इतिहास यह कहता है शिवपुराण का कि पंडरपुर आज का नहीं, पंडरपुर में हरि विट्ठल महादेव दोनों विराजमान है। जहां शिव है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, वे अखंड है, अखंड। पांच बार काशी काशी कह देने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। कितनी बार? जम के बोलो जरा। पांच बार काशी काशी कह देने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। शिव महापुराण कथा कहती है एक बार मुख से हरिहर विट्ठल कह देने से दुनिया को तृप्ति प्राप्त होकर परम धाम मिलता, केवल एक बार मुख से विट्ठल नाम का, क्योंकि शिव विट्ठल में समाहित और विट्ठल शिव में समाहित। बस उसको भजने वाला चाहिए, स्मरण करने वाला चाहिए। मेरा बाबा भोला नाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के। मेरा बाबा भोलेनाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के। मेरा बाबा भोला नाथ जिसके सिर पर रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के। बड़े भाव से दोनों हाथों से
बाबा भोला नाथ जिसके सर पे रख दे हाथ कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के मेरा बाबा भोला
मेरा बाबा भोला नाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के। मेरा बाबा भोला नाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ के। मेरा बाबा भोला नाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के। मेरा बाबा भोला मेरा बाबा भोला नाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के। मेरा बाबा भोला नाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के। कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के। कर दे वारे कर दे वारे के न्यारे नंदी पे च।
चढ़ के कर दे वाले आर महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन के भावों को हृदय से भगवान शिव से कहें। कार्यकर्ता भी जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की अपने हृदय की बात दिल से कही। पंडरपुर की पवित्र भूमि है, चंद्रभागा नदी का तट है। भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात दिल से प्रार्थना करिए, भाव से कहिए। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। देवऋषि नारद ने रुद्राक्ष की माला को भूमि पर फेंक दिया। नंदी ने उस माला को उठा लिया। नंदी उस रुद्राक्ष की माला को लेकर भगवान शिव के पास गए। बाबा ये माला, शिव जी ने कहा ये माला तो मैंने देवऋषि नारद को पहनाई थी। ये तुम्हें कहां से मिल गई? भूमि पर पड़ी थी, एक बेलपत्र और रुद्राक्ष टूटा हुआ भी जमीन पर पड़ा हुआ मिल जाए तो पहले उसको उठाकर विसर्जन में रखो। आपको रखना हो अपने पास तो रखो, नहीं तो उसको उठाकर विसर्जन।
एक बेलपत्र लांगने पर कितना दोष है, ये शिव महापुराण में हम पहले वर्णन कर चुके। एक गंधर्व राजा के बगीचे से फूल तोड़ने के लिए आता था चुपचाप से, तो राजा ने बेलपत्र बिछा दी थी और गंधर्व उसको लांग गया था, तो वो अपनी गंधर्व के तत्व से वंचित हो गया। अगर जमीन पर कहीं रुद्राक्ष पड़ा हुआ है या बेलपत्र पड़ी है तो सबसे पहला काम तुम्हारा है उसको उठा लो। पहली फुर्सत में आज बहुत अच्छी बात आप लोगों के लिए है, अपने हृदय में उतार कर रखिएगा। आपको लगे कि आपका बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहा है, या जॉब की बहू तैयारी कर रही है, बेटी तैयारी कर रही है, वो खूब मेहनत करे, आपका बेटा भी मेहनत करे, बहू भी मेहनत करे, बेटी भी मेहनत करे, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं खूब मेहनत करो दिल से। पर घर का यदि एक व्यक्ति भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सफाई कर देता है और एक शिवलिंग का निर्माण कर पूजन कर 5 बेलपत्र समर्पित कर बाबा से ये प्रार्थना कर लेता है कि उसका इंटरव्यू है, उसको पास होना चाहिए, उसकी नौकरी लगना चाहिए, मेरा देव अधिदेव महादेव अगर आपने सोमवार की अष्टमी को ये करा है, या शिवरात्रि 12 महीने आती है किसी भी शिवरात्रि पर करा है, या सोमवार के दिन करा है, या प्रदोष के दिन करा है, तो उसका फल आपको मिलता जरूर है और उसकी जॉब लगती जरूर है। एक बेलपत्र के नीचे जो झाड़ू लगाई, बुआरी लगाई, सफाई करी, शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करा और 5 बेलपत्र जो समर्पित करा, वो सहज नहीं। एक पत्र है, संगीता अशोक कोली, मुकाम पोस्ट भालोद, तहसील यावल, जिला जलगांव, राज्य महाराष्ट्र। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। संगीता अशोक कोली, मुकाम पोस्ट भालोद, तहसील यावल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। बैठे हैं कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, दिख गए। अच्छा, एलईडी से छुप रहे हैं, ठीक है। गुरुदेव, एलईडी के कारण आप सामने नहीं दिख पा रहे हैं, पर अपना हाथ वहां पर खड़े होकर आप हिला सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं क्या वर्णन करूं बाबा, मेरे बेटे की आर्मी में भर्ती होने की बहुत इच्छा थी, वो इंटरव्यू दे देकर परेशान हो गया। हर रोज उसके मन में बस यही था कि एक बार मैं आर्मी में जाऊं। मैंने उससे कहा तू पूर्ण मेहनत कर, गुरु जी कहते हैं अच्छी मेहनत करोगे और फल बाबा के हाथ में छोड़ दो। मेरे बेटे ने भी पशुपति व्रत करा, मैंने भी पशुपति व्रत करा, शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन करना प्रारंभ करा। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं, इतने सालों से मेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ था, आज मेरे बाबा ने मेरे पर कृपा कर दी और मेरा बेटा एग्जाम में पास हुआ, और नवरात्रि का त्यौहार चल रहा था तब मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया, और बाबा की कृपा से हम छत्रपति संभाजी नगर में जब कथा चल रही थी तब हम बाबा से प्रार्थना किए थे, बाबा की कृपा से बाबा ने हमारी सुनी, इसलिए हम बाबा को यहाँ नमन करने आए हैं। मेरा बेटा का जो सिलेक्शन हुआ, आज मेरा बेटा बहुत आनंद से
जबलपुर में उसकी ट्रेनिंग चल रही है गुरुदेव, और मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई हूँ, जिसका मैंने फ़ोटो लगाया है। फोटो आप लोग टीवी चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, आस्था चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर ओ घड़ी शंभु, उसकी कृपा होती है। थोड़ा सा विश्वास को दृढ़ करना है। देवऋषि नारद ने शंकर के रुद्राक्ष को फेंक दिया, शिव का प्रसाद चाहे बेलपत्र हो, चाहे रुद्राक्ष हो, चाहे उसका चढ़ा हुआ जो भी है, उसको फेंका ना जाए। हम तो यहां तक कहते हैं कि भोजन भंडारा चलता है, कथा के मध्य में आप लोग भोजन भंडारा ग्रहण करते हो, भोजन करते हो, तो हमारा तो आपसे यही निवेदन भी रहता है कि शंकर का प्रसाद अगर भोजन भंडारे में भी जाकर कर रहे हो तो थाली में उतना ही लो जितना खा सकते हो, झूठा एक अंश ना छूटे, इसका स्मरण। दूसरा, भोजन करने का जो समय भले संजय भाऊ जी ने जो रखा है 6 बजे से रात्रि का, ये मत सोचो कि भोजन बंद हो जाएगा और जल्दी जल्दी चले जाऊं और धक्का मुक्की हो, आराम आराम से जाओ। अपने घर में भोजन बनता है तो अपन पहले ससुर जी को खिला देते हैं, बोलो रे जी जी सही है कि गलत है, फिर सास को दे देते, फिर पति आते हैं, जेठ आता है, जेठानी आती है, उनको दे देते, फिर अपन जिमने बैठ जाते। तो निवेदन है, जब इतना बड़ा लाखों की संख्या में भगत आते हैं और भोजन भंडारा चलता है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम धीरे धीरे कम कम मात्रा में जाएं। अपनी खुद की कथा है, यहाँ कोई कथा का यजमान भले ये बनकर बैठे हैं, पर कथा का आयोजक स्वयं हरि विट्ठल पांडुरंगा देवदिदेव महादेव हैं, चंद्रभागा महारानी हैं, स्वयं विठले सेवा समिति। तो आपकी कथा है, आपको संभालना है, आपको करना है, आप स्वयं व्यवस्था बनाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, भोजन करेंगे, कोई झूठा छोड़ रहा है मना करेंगे, हे बाबा, बाबा का प्रसाद है, शिवजी का प्रसाद है, शंकर का प्रसाद है, क्यों छोड़ते हो? थोड़ा लेट चले जाओ, आराम से जाओ, पर धक्का मुक्की ना करते हुए प्रसाद को ग्रहण करो। मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, भीड़ हो रही है, थोड़ा रुक जाओ, आराम से, झगड़ा नहीं करना बाबा के मंदिर में, शिवजी के मंदिर में जाकर क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, इतनी देर तक बैठी है, 4 घंटे से बैठी, उठी नहीं रही है, इसके पिताजी का मंदिर है, जम के बैठ गई है तो शंकर जी को छोड़ ही नहीं रही है, कोई बात नहीं। वो शंकर जी को नहीं छोड़ रही, उसके लोटे में जो जल है तुम्हारा जल वो नहीं चढ़ान दे रही, तो उससे कह दो तेरे लोटे में हमारा जल डाल ले, तू चढ़ा दे, एक से बढ़कर दो, बाबा को स्वीकार करेगा, उसमें क्या टेंशन। कई पुरुष लोग पत्र लिखकर भेजते हैं, हमारे मोहल्ले में शंकर जी का मंदिर है, माताएं एक बार अंदर चली जाती है निकलती बाहर नहीं है, हम सब खड़े रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि जल चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, ये निकले तो चढ़ाए ना, छोड़ती नहीं है, और हम कहते हैं थोड़ा बाजू खसक जाओ, तो कहती है नहीं खसकूंगी, जा ऐसा रुआब दिखाती है, अब तुम बताओ कि हम शंकर जी को जल कैसे चढ़ाएं, इस समस्या को हल करो। हमने कहा एक लोटा जल सारी समस्या का हल, अब तुम बोलो कि हम करें तो करें क्या। तो वो मेरी पंडरपुर की जीजियों और मेरे पूरे भारत की जीजियों और मेरे जीजाओं, मंदिर तुम्हारा, शिव तुम्हारा, तुम शंकर के, शंकर तुम्हारा, दिल से भाव से शिव को दीजिए, दिल से। कोई कह दे कि शंकर जी ब्राह्मण के हैं कि क्षत्रिय के हैं कि वैश्य के हैं कि शूद्र के हैं, पंडरीनाथ के मंदिर में इतने सारे वारकरी आते हैं, इतनी सारी वारकरी संप्रदाय के लोग आते हैं, आज तक जो यात्रा आती होगी उसमें ये नहीं पूछा जाता होगा कि तू ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है। जितने वारकरी आते हैं भगवान हरि विट्ठल के चरणों में, शंकर जी के चरणों में जो पूजन करने वाला होता है,
वहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र नहीं देखा जाता, वहां तो केवल भगवान का भक्त देखा जाता है, शिव का भक्त, नारायण का भक्त, हरि विट्ठल का भक्त देखा जाता है। भगवान की दृष्टि में सब बराबर है, सब बराबर, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। दुनिया के लोग भेद कर सकते हैं। देवऋषि नारद ने रुद्राक्ष की माला पटक दी, शंकर जी ने कहा था नारायण को मत कहना, माने नहीं ना, नारद जी सीधे बैकुंठ चले गए श्रीमन नारायण। भगवान नारायण ने देखा नारद जी आए हैं, आंखें बंद करके और लेट गए, बोले ही नहीं। लक्ष्मी जी चरण दबाती दबाती बोली, देवऋषि नारद आए। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले, तू भी आंख बंद करके बैठ जा, बोले ही मत। क्या सीखने को मिल रहा है? नारायण के दरवाजे पर देवऋषि नारद और भगवान कर रहे नेत्र बंद करके बैठ जा, लक्ष्मी बोलना नहीं। लक्ष्मी जी बोल रही, वो चिल्ला रहे हैं नारायण नारायण नारायण, आप कह रहे हो बोलना नहीं। हाँ सुनो लक्ष्मी, जब कोई किसी की प्रशंसा करने आए ना, उठकर बैठकर खूब सुनना, पर जब कोई किसी की निंदा करने आए ना, बिल्कुल मत सुनना, वहां से उठकर चले जाओ, उठकर चले जाओ। ओंडा नागनाथ में हुआ क्या था, नामदेव जी को बुरा क्या लगा था उस नागनाथ के मंदिर में? किस चीज का बुरा लगा था नामदेव जी को? नामदेव जी तो कीर्तन कर रहे थे मंदिर के अंदर, बहुत सारे विद्वान ब्राह्मण आ गए, बहुत विद्वान विद्वान आ गए। नामदेव जी जहां कीर्तन करते थे वहां भीड़ बहुत हो जाती थी। लोग कहते हैं शिवपुराण होती है तो इतनी भीड़ क्यों होती है? इन सबको क्या निमंत्रण दिया जाता है, पीले चावल दिए जाते हैं, पत्रिका भेजी जाती है कि आप कथा में आओ? ना, केवल शक्कर का डब्बा खुला छोड़ दो, गुड़ का डब्बा खुला छोड़ दो, चीटी आ ही जाती। संत नामदेव जी, संत तुकाराम जी, संत ज्ञानेश्वर जी, संत जितने भारत की भूमि के संत हुए, ये सब गुड़ और शक्कर का डब्बा है। जी जहां जाते थे वहां भीड़ हो जाती थी। जहां जाते थे वहां भीड़, अपार भीड़, अपार जनसमुदाय। अब ओंडा नागनाथ में, वो नागनाथ जी के मंदिर में भीड़ अपार, और गुस्सा आ गया ब्राह्मणों को, क्रोध। अरे ओ नामदेव जी, इतना ऊंचा को चक्कर नाच रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, ये कीर्तन मीर्तन शंकर जी को प्रसन्न नहीं है। अगर तुम्हें कीर्तन करना है तो पंडरपुर जाओ, चलो उठो यहां से। नामदेव जी, विठल विठल विठला, माझा विठल पांडुरंगा, देखो तुमचा नामदेव जी माहेती जास्ती, तुम लोगों को नामदेव जी की जो माहेती है वो ज्यादा है, हमको तो कम है, ज्यादा है। हम प्रयास करें विश्व तो मराठी के दो चार शब्द अगर गड़बड़ निकल जाएंगे ना तो तुम सब हमारे माथे आ जाओगे। नामदेव जी का चरित्र यहाँ का लोग चांगला बोलता है, हम तो थोड़ा बहुत बोल दे तो चल जाए। अब नामदेव जी को उठाए, चलो तुम तो बाहर जाओ, यहाँ इतनी भीड़ करके रखे हो,
इतनी भीड़, चलो निकलो बाहर, नाम दे। सब में भगवान देहा ची तिजोरी भक्ति चाच थे उघड़दार देवाता उघड़दार उघड़दार देवाता उघड़दार नामदेव जी कहे सबके भीतर वो परमात्मा हर एक में वो समाया। अब कहां मैं जाऊं, नामदेव जी तो भजन में लीन थे, गुस्सा आया, चार लोगों ने उठाया मंदिर के पीछे ले जाके छोड़ दिया। अब कर यहां कीर्तन, कौन सुने तेरे को, यहां कीर्तन कर, कौन सुनेगा, हम भी देखें। अब नामदेव जी वो शक्कर का डब्बा, गुड़ का डब्बा चाहे पीछे रख दो चाहे आगे रख दो, शक्कर के डब्बे पे चीटी तो जाएगी। इनने पीछे रख दिया, सारा कीर्तन करने वाला पीछे पहुंच गया। विठल विठल विठल। अब नामदेव जी महाराज ने सोच लिया कि मैंने तो सुना था काशी में कि कंकर कंकर में शंकर होता, मैंने तो सुना था कंकर कंकर में शंकर होता है, तो मंदिर का दरवाजे से क्या फर्क पड़ता है, चाहे यहां पूजन करूं चाहे वहां पूजन करूं। बैठ गए नामदेव जी, कम्बल बिछाया और जो नामदेव जी ने कीर्तन करना प्रारंभ करा। कीर्तन करने के बाद नामदेव जी बोले, मेरी भक्ति और तुम्हारी शक्ति, महादेव मेरी भक्ति और तुम्हारी शक्ति का प्रमाण तुम्हें यही दिखाना पड़ेगा। इतनी देर में तो नामदेव जी कीर्तन में लीन थे और भगवान शंकर का मंदिर का दरवाजा पलट गया। वाह! और केवल दरवाजा नहीं पलटा, स्वयं शंकर भगवान निकलकर बाहर आ गए, ओना नागनाथ निकलकर बाहर, शिव बाहर आ गए और शंकर भगवान बाहर आकर देव ऋषि नारद जी से, नामदेव जी से कहते हैं, नामदेव ओ नामदेव, नामदेव महादेव आप, मैं तो मंदिर के पीछे था, आप मेरे सामने कैसे आ गए। शंकर भगवान बोले, जो पीछे था वो आगे हो गया और जो आगे था वो पीछे हो गया। अहंकार व्यक्ति को पीछे कर देता है, समर्पण व्यक्ति को आगे कर देता है। अहंकार व्यक्ति को पीछे करता है, समर्पण व्यक्ति को आगे करता है। नामदेव जी का समर्पण पक्का था, वो शिव की भक्ति में, नारायण की भक्ति में इतने रमे हुए थे। नामदेव जी को सबसे ज्यादा भरोसा किसने दिया, शिव जी ने। नामदेव जी को जो मंत्र मिला गुरु का, वो मंत्र भी शिव का मंत्र था। विश्वा खेचर जी के यहाँ जब मंत्र लेने गए थे तो वो वहां मल्लिकार्जुन में सो रहे थे, जहां शंकर भगवान का शिवलिंग था उधर ही उनका चरण था। नामदेव जी को आश्चर्य हो गया, विट्ठल नाथ ने मुझसे कहा कि गुरु मंत्र लो। विशोभा जी के पास में जाकर और मालूम पड़े वो तो यहां सो रहे शंकर जी की ओर पांव कर, ये कोई अच्छी बात है, उन्होंने गुरु जी से ही कह दिया तुम यहां सो रहे हो, पांव तुम्हारा शंकर जी की ओर है। तो गुरु जी बोले, एक काम कर, जहां शंकर जी नहीं हो वहां मेरा पांव उठा के धर दे। हर एक में शिव समाया, कंकर कंकर में शंकर, प्रत्येक मनुष्य में भगवान समाया, प्रत्येक मनुष्य। हम भगवान को देखते कब है, हमारे दादाजी की तिथि आई, दादाजी का श्राद्ध आया, तो हमने किसी को बुलाकर, महाराज जी भिखारी को भी बुला लिया, किसी को भी बुलाकर, लो हमारे दादाजी का श्राद्ध है, लो दो पूड़ी सब्जी
खा लो, हमारे दादाजी का श्राद्ध है। दूसरे दिन बेचारे को मालूम पड़ा कि यहाँ पर मैं जा गया था और यहाँ से मुझे पूड़ी सब्जी मिली थी। दूसरे दिन फिर वो आ गया, भैया पूड़ी सब्जी दे दो, इतने में तो डंडा लेके दौड़ा, चल निकल यहाँ से बाहर। हमें तो कल तो यहाँ पर पूड़ी सब्जी मिली थी, परसों आए थे हमें यहाँ पूड़ी सब्जी मिली थी। उसने कहा परसों मेरी दादी जी का श्राद्ध था इसलिए पूड़ी सब्जी मिली थी, कल मेरे दादाजी का श्राद्ध था इसलिए पूड़ी सब्जी मिली थी। क्या यहाँ तेरे पिताजी रखे गए जो रोज रोज मिलेगा? आग यहाँ से। अब विचार करिए, हम एक दिन तो भिखारी में भी दादाजी देख लेते हैं, हम एक दिन तो भिखारी में भी दादी जी देख लेते हैं, और दूसरे दिन जैसे ही भिखारी दरवाजे पर आता है तो गाड़ी का कांच चढ़ा देते हैं। नामदेव जी ऐसे नहीं थे, उनकी दृष्टि में नामदेव जी की कथा किसी फिल्म वाले ने पढ़ ली थी इसलिए उनने गाना लिखा, तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। उनने कथा पढ़ी नामदेव जी की तब गाना लिखा, तो उनके स्मरण में आया कि शिव ने कृपा क्या करी है, दया क्या करी है। तो ये केवल नामदेव जी के विश्वास और दृढ़ता का फल था। जैसे देवऋषि नारद, भगवान विष्णु ने कह दिया लक्ष्मी जी से आंख बंद करके सो जा, भगवान नारद जी आए लक्ष्मी जी सो जाओ। जब कोई निंदा करने आए, शंकर की निंदा करने आए, शिव के लिए अपशब्द कहने के लिए आए, शंकर के लिए आड़ा तेड़ा कहने आए, शंकर के भक्त के लिए आड़ा तेड़ा कहने आए, शिव महापुराण की कोई निंदा करने आए, तुरंत नेत्र बंद कर लो, आंख बंद कर लो और अपने कान बंद कर लो, बिल्कुल निंदा नहीं सुनना। और अगर निंदा सुनिए तो एक कमेंट्स जरूर करना, हर हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये कमेंट्स जरूर कर देना, ये बोल जरूर देना। कोई निंदा करे तब तुम चिल्ला चिल्ला कर कहना श्री शिवाय नमस्तु, वो निंदा करे तुम शब्द कहो। वो कितना भी बोले आप पीछे मत, हमारे जीवन में हमने बहुत कथाएं करी। कथाओं को करते करते 2023 की एक कथा सबसे भारी कथा थी। वो थी अमरावती की कथा। उसका कारण, जब हम जलगांव में कथा कर रहे थे तब अमरावती से पत्र सीओर भेज दिया गया था आश्रम पर कि तुम जो अमरावती में कथा करने वाले हो उस कथा को कैंसिल कर दो, नहीं तो हम तुम्हें इतना बदनाम कर देंगे कि तुम दूसरी बार अमरावती नहीं आ पाओ। सबसे भारी कथा थी। हमने ये बात किसी को नहीं कही, हमने सीधे आश्रम पर कहा कि चिंता मत करो, कथा तो अमरावती में होगी और कराने वाली भी माँ अम्बा होगी और अम्बेश्वर महादेव ही होगी। वो पत्र आज भी हमने सीओर में संभाल के रख रखा है जिसमें उन्होंने कहा था कि आप अमरावती की कथा, जो कथा आमदार खासदार कराना वो कैंसिल करो, कुछ भी कर कर वहां नहीं आओगे आप कथा। हमारी जिंदगी में पहली कथा थी जिसका पत्र सीओर में आया और उन्होंने कहा कि इस कथा हमने तो इतना तुमको बदनाम करेंगे, इतना अपशब्द कहेंगे कि तुम सोच लगे। फिर भी क्या किसको रोई है, सारा ताने पे सोई है। और अमरावती की कथा मेरे देव अधिदेव महादेव और स्वयं अमरावती की अम्बा महारानी ने जो करी वो एक आनंद का इतिहास रच। आनंद, कोई कितनी भी निंदा करे, कितना भी अपशब्द कहे, कितना भी पाए, आपके चेहरे पर वो प्रसन्नता होना चाहिए, आपके चेहरे पर वो आनंदता होना चाहिए। हमारे पाटिल जी कह रहे थे गुरुजी कथा पंडरपुर में हमने ग्राउंड कर लिया, सारी व्यवस्थाएं हो गई और बाबा की ऐसी कृपा है। पाटिल जी बोले गुरुदेव सारा पंडरपुर, पूरा पंडरपुर, अभिजीत जी पाटिल जी कह रहे थे पूरा पंडरपुर का एक एक बच्चा शंकर जी की कथा के लिए पूरा पंडरपुर पलक पावड़े बिछाकर तैयारी कर कर बैठा, पलक पावड़े बिछाकर तैयारी कर कर बैठा। शिव तत्व है, औघड़ी है शिव, और सत्यता का विषय
आप लोगों से कहें कि पंडरपुर की कथा मेरे स्वयं गुरु जी का नाम श्री विठलेश राय काका जी महाराज गोवर्धन नाथ हवेली, हमारी समिति का नाम विठलेश सेवा समिति। आज जिस पंडरपुर में हम कथा करने के लिए आए हैं, आज हमको ऐसा महसूस होता है कि मेरा गुरु और मेरा घर यही है जहां मैं कथा करने के लिए। आज कथा कहीं दूसरी जगह नहीं हो रही है, आज मेरे गुरु के दरवाजे पर, मेरे इष्ट के दरवाजे पर, और जिसने मेरा हाथ पकड़कर सारी दुनिया में मुझे लेकर गया वो हरि विट्ठल के चरणों में ये कथा हो रही है। कथा साधारण क्या, नामदेव जी को गुरु मंत्र लेने के लिए स्वयं विट्ठल नाथ बाहर आकर हाथ पकड़कर बोले थे, नामदेव तेरे को गुरु मंत्र लेना है। नामदेव जी बोले, कहां जाऊं गुरु मंत्र लेने के लिए? कहा, मल्लिकार्जुन चले जा, वहां विश्वभर ठेटर रहते हैं, वहां मिलेंगे। शंकर जी का मंत्र, मैं तो तुम्हें भसता हूं, पंडरपुर छोड़कर नहीं जाऊंगा। विट्ठल नाथ जी ने कहा, जाना पड़ेगा, गुरु मंत्र लेना पड़ेगा। शिव का भक्त मंत्र दे रहा, क्या नामदेव जी हरि विट्ठल कहना छोड़ दिया? नहीं, भसते रहे, मंत्र भले शिव का मिला पर हरि विट्ठल का स्मरण करते रहे। अपने चित्त से कैसे शिव को निकाल दे, जैसे लिंगायत संप्रदाय में, शिव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत एक मां अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक उसको कानों में गुरु मंत्र नहीं चले जाता। शिव लिंगायत संप्रदाय वो संप्रदाय जिसके अंतर्गत शंकर के शिवलिंग की आराधना होती है, शंकर के शिवलिंग की पूजन होती है, शंकर शिवलिंग को आराध्य माना जाता है। हम अपने गले में जैसे रुद्राक्ष पहनते हैं, वो अपने गले में शिवलिंग को धारण करते हैं, चांदी की डब्बी के अंदर उनके गले में शिव रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक शंकर साथ में है तुम्हारे, शिव। नामदेव जी, जाओ तुम, आज्ञा कर दी भगवान विठल नाथ जी ने, जाओ जाकर गुरु मंत्र लो। श्रीमद वल्लभाचार्य जी को आज्ञा कर दी, जाओ विवाह करो। कलकत्ता में कहा था, पंडरपुर में आप कितना भी मन बना लेना, जब तक हरि विट्ठल कृपा नहीं करेंगे तब तक तुम पंडरपुर की भूमि पर पांव नहीं रख सकते। वारकरी संप्रदाय के लोग, वारकरी करने वाले, यहां आने वाले सब तैयारी कर लेते हैं, बैग तैयार हो जाता है, उनकी गाड़ी तैयार हो जाती है, उनका नाम लिखा जाता है कि ये चलकर हमारे साथ पंडरपुर जाएगा, पर जब तक पंडरीनाथ इशारा नहीं करता तब तक नहीं जा पाता। ऐसे ऐसे लोग वारकरी करते करते यहाँ पर आते हैं, पल पैदल चलकर यहाँ आते हैं, जिनका नाम लिखा होता है वो तो कई बार आ ही नहीं पाता, उसकी जगह दूसरा आ जाता है, जिसको पंडरीनाथ बुलाता है वो आता है, जिसको हरि विट्ठल बुलाएगा वो यहाँ आए। अरे आप सब किस्मत वाले और हम भी किस्मत वाले, आज हमको लगा कि हम भी किस्मत वाले हैं जो हरि विट्ठल ने इशारा कर कर अपने धाम में बुला लिया और ये कथा करवा ली। इससे बढ़कर किस्मत कहां से लाए, भाग्य कहां से लाए। खूब दिल से सुनो, झोली पसार पसार कर भगवान से प्रार्थना कर 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 सुनो, विट्ठल विट्ठल पांडुरंगा हरि विट्ठल हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उसकी आनंदता पाओ, उसकी सुनेगा। शिव कथा कहती है, देवऋषि नारद जैसे ही आए, मना उठे ही नहीं भगवान नारायण, फिर भी चिल्लाने लगे, नारायण 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 नारायण। अब कई कई निंदा करने वाले ऐसे होते हैं, जान कर करके दरवाजा बजा बजा के बजा बजा के निंदा करते हैं। बहुत सुंदर बात शिव महापुराण में लिखी है, किसी में खोट देखो ना, किसी में बुराई देखो ना,
तो उसके कानों में कहो, काय में कहो, कान में कहो। अगर किसी में बुराई देखी है तो उसके कान में कहो, गांव में मत कहो। गांव में कहने से उसकी इज्जत जा सकती है, कान में कहोगे तो वो सुधर सकता है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। किसी में ऐब देखो, बुराई देखो तो उसके कानों में कह दो, तुम्हें ये बुराई इसको सुधारो, तुम्हें ये तकलीफ है इसको सुधारो। उसके उसके गांव में वर्णन मत करो कि गांव में जाकर कहते फिर अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, क्या कहना उसको कानों में। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू शिव तत्व कह रहा है, भगवान ओघड़ी का तत्व कह रहा है, शंकर की कथा कर रही है। देवऋषि नारद आ गए, आते सी उन देवऋषि नारद ने आवाज लगाई, नारायण उठ के बैठे, क्या बात है नारद जी। नारद जी बोले, जिस कामदेव को शंकर जी नहीं जीतता उस कामदेव को मैंने जीता है। भगवान विष्णु की आंख से जल झलक गया, नैनों से आंसू आ गए। जब आप शंकर की निंदा सुने तो समझ लेना कि आपने अपनी जिंदगी के कीमती पल खोल दिए, अपना सुख तुमने खो दिया। नारद जी ने जैसे ही शंकर की निंदा करी, भगवान विष्णु ने कहा, नारद तुमने शिव की निंदा करी है, तुम्हारा मुख बंदर का लगेगा, और मैंने शंकर की निंदा सुनी है इसलिए मेरा मुख घोड़े का लगेगा। नारद जी को बंदर का मुंह लग गया था, कथा सुनी ना राम कथा, और भगवान विष्णु को हयग्रीवा उतार लेना पड़ा। भगवान विष्णु को हयग्रीवा उतार, उनको घोड़े का मुंह लगा, घोड़े का मुख, उनको घोड़े का मुख लगा। केवल निंदा सुना और निंदा करा ना करिए, शिव की निंदा से दूर हो जाओ, बिल्कुल दूर, बहुत दूर। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। समर्पण करिए शिव का, आप दूर रहो, भगवत भजन में तल्लीन रहो। एक पत्र आया, देखिए, सो वैशाली ज्ञानदेव दुकरे बैराग कर, गांव का नाम है बैराग, संतनाथ नगर, तहसील बारशी, जिला सोलापुर। मोबाइल नंबर ये कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकते हैं जिन्होंने पत्र भेजा है। सो वैशाली ज्ञानदेव दुकरे बैराग कर, बैराग संतनाथ नगर, तहसील बारशी, जिला सोलापुर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं।
जहाँ कहीं बैठे हों हाथ हिला सकते। पत्र में उन्होंने लिखा, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, शिव तत्व मेरा बेटा जो मेडिकल नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहा था पर सफल नहीं हुआ, कई साल निकल गए, बेटे ने भगवान पर भरोसा करना छोड़ दिया था, पर मैंने अपने बेटे से कहा तू भरोसा मत छोड़, सियोर वाला महाराज कहता एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, माँ फालतू की बात बंद कर, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। मैंने अपने बेटे से कहा तू मंदिर जाया कर, चढ़ाया कर जल, बाबा सुनेगा, एक बार वापिस एग्जाम दे, इस साल तू क्लियर करेगा नीट की परीक्षा, मैं कहती हूं तू डॉक्टर बनेगा ये पक्का। मेरे बेटे ने मेरी बात पर भरोसा कर और मैंने आपकी बात पर भरोसा कर गुरुदेव, मेरा बेटा शिवजी को जल चढ़ाने के लिए गया, बेलपत्र का प्रयोग करा और एग्जाम दिया, आज मेरा बेटा मेडिकल की परीक्षा में अच्छे अंक से पास हो गया और मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है और MBBS कर रहा है, उसकी डॉक्टरी की पढ़ाई चल रही है, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। शिव तत्व है, ओघड़ी शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी, उस पर किया गया भरोसा, अन्य जगह से अपने चित्त को हटाकर शिव की भक्ति में चित्त को जोड़ी। लोग आपको ताना देंगे, लोग आपको गाली देंगे, लोग आपको अपशब्द कहेंगे, हमें नहीं सोचना कौन क्या कर रहा है, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, भगवान की भक्ति में मन को लगाने का प्रयास। भगवान राधा रानी गंगा जी के पास पहुंची और गंगा जी से जाकर उन्होंने निवेदन किया कि आपके पास में पापियों के पाप धुल जाते हैं और आप चंद्रभागा के तट पर बुआरी लगा रही हो, गंगा मैया जरा बताएंगी कि ऐसा क्या है पंडरपुर की पवित्र भूमि में, ऐसा क्या है चंद्रभागा के तट पर, ऐसा क्या है जो आप अपना धाम छोड़कर गंगा जी चंद्रभागा के तट पर बुआरी लगा रही है, क्या है ऐसा, क्या है? गंगा जी ने कहा आपके स्मरण में होगा, नारद जी को जब बंदर का मुंह लग गया था, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के गले में माला दे दी थी और नारद जी को क्रोध आ गया था, उन्हें श्राप दे दिया था भगवान विष्णु को कि तुम पृथ्वी पर मनुष्य बनकर घूमोगे, तुम्हारी पत्नी का हरण होगा, बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, ये सब रामायण में लिखा, शिव महापुराण में लिखा। नारद जी के ऊपर से जब माया हटी तो नारद रोने लगे और भगवान विष्णु के चरण पकड़ लिए, क्षमा कर दो और मुझे मार्ग बताओ कि मैं कहां जाकर तप करूं, एक बार तप करने से मुझे शंकर भी माफ कर दें और भगवान विष्णु भी माफ कर दें, 33 कोटि देवी देवता मुझे माफ कर दें, एक बार तप करने से मैं भगवान के करीब पहुंच जाऊं और उनके नजदीक पहुंचकर फिर मुझे मान प्रतिष्ठा सम्मान मिल जाए, ऐसी कौन सी पवित्र भूमि है जहां मैं पहुंचूं। तो भगवान विष्णु ने कहा नारद जी आपको अगर कहीं जाना है तो चंद्रभागा के तट पर जाकर बालू का शिवलिंग बनाकर अगर आप आराधना कर लोगे तो तुम संपूर्ण जीवन का सुख पा जाओ। एक बालू का शिवलिंग, हाँ, चंद्रभागा के तट पर पहुंचकर तुम बालू का शिवलिंग बनाकर जब आराधना करोगे स्वयं संध्या देवी तुम्हें प्रकट होकर दर्शन देकर स्वयं तुम्हें शिव का सुंदर दर्शन होगा और तुम्हें नारायण का दर्शन होगा। नारद तुम संसार की सारी उलझनों से मुक्त होकर शिव और नारायण के धाम में सदा विहार करते रहोगे। वही प्रश्न राधा जी का गंगा जी से हुआ, गंगा तुम बताओ कि तुम आखिर यहां झाड़ू लगाने के लिए बुआरी लगाने क्यों आती हो, तो गंगा जी ने कह दिया सुनो राधा, दुनिया के लोगों के पाप मेरे जल में धुलते हैं, पर गंगा कहती है राधा मैं उस पाप की गठरी को लेकर चंद्रभागा के तट पर आती हूँ और केवल
बालू पर एक हाथ से बुआरी लगाती हूँ तो मेरे पाप पूरे के पूरे समाप्त होकर मुझे हरि और हर का दर्शन हो जाता है। हरि और हर का दर्शन हो जाता है। केवल एक गंगा का जल ऐसा है जहां पर शंकर जी का हर हर महादेव का भी नारा लगता है। गंगा जी का जल ऐसा है जहां भगवान शंकर भगवान विष्णु के सुंदर चरण से गंगा निकली है, विष्णुपदी भी कहलाई है और शंकर की प्रिया भी कहलाई है। गंगा शंकर की प्रिया भी कहलाई और विष्णुपदी भी कहलाई है। मेरा पूर्ण भारत के निवासियों से, संपूर्ण देश और विदेश में निवास करने वाले संपूर्ण देशवासियों से और विदेश में रहने वाले सारे मेरे भारत के निवासियों से निवेदन करूंगा, अगर भारत की भूमि पर तुम्हारा जन्म हुआ है और भारत की भूमि पर तुम पैदा हुए हो और भारत में अगर निवास करते हो तो एक बार हरि विट्ठल का दर्शन करने जरूर आना। हरि विट्ठल का दर्शन करने जरूर आना। चंद्रभागा के तट पर हरि विट्ठल का जो दर्शन है वो हमारी जिंदगी की सार्थकता, शिव और नारायण का आनंद सुख प्रदान करने वाला। सहज जय 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 हरि विट्ठल विट्ठल जय जय हरि विट्ठल विट्ठल पांडुरंग विट्ठल 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 पांडुरंग विट्ठल 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 पांडुरंग विट्ठल जय 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 हरि विट्ठल विट्ठल जय 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 हरि विट्ठल विट्ठला विट्ठल विट्ठला पांडुरंगा विट्ठला विट्ठल विट्ठला पांडुरंगा विट्ठला ओ जय 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 हरि विट्ठल विट्ठला जय 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 हरि विट्ठल विट्ठला दीनाना चुप हो जाओ। पांडुरंगा विठला रखा विठला चंद्रभागा के तट पे विराजे चंद्रभागा के तट पे विराजे चंद्रभागा के तट पे विराजे सिर पे भोले विराजे आपके सिर पे भोले साजे आपके सिर पे भोले साजे जय 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 हरि विठल विठला हो विठल विठला पांडुरंगा विठला ओ विठल विठला पांडुरंगा विठला
ओ जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला, ओ जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला। पंडरपुर में आप विराजे, पंडरपुर में आप विराजे, दर्शन देने आप पधारे, दर्शन देने आप पधारे, दर्शन देने आप पधारे, दर्शन देने आप पधारे। ओ पांडुरंगा विठला हरि ओम विठला, पांडुरंगा विठला हरि ओम विठला, पांडुरंगा विठला हरि ओम विठला, पांडुरंगा विठला हरि ओम विठला। हो जय 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 हरि विठल विठला, जय 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 हरि विठल विठला, हो जय 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 हरि विठल विठला, विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात दिल से जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से भगवान शिव से अपने दिल की बात कही। भाव से बैठ जाओ, जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात कही। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख का, ओ शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगलकारी, वैश्य मंगल मंगलकारी,
शमशान वासी शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो हो भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है भगवान देवऋषि नारद का आनंद संवाद, माँ गंगा और राधा जी का संवाद, सुंदर नामदेव और शिव का संवाद, भाव से श्रवण किया। द्वितीय दिवस की कथा में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन,